बदराणा के लिए प्रयास किया, ट्रस्ट वालों से बात करके उसमें इन्होंने कोर्टों में उलझा कर आपके बेटे आपके भाई डॉक्टर राजकुमार को जितना है बदनाम कर सकते थे। अभी कल परसों एक चूरू के नेताजी आए थे, बाबा राम साहब पीर के यहाँ पे सभा थी, वहां भी वो झूठ बोल गए। मैंने कहा कि आप अगर सच्चे हो आ जाओ बाबा राम साहब पीर के मंदिर में खड़े होके ये कह दो कि ये भूमि गोचर है क्या, या हम आपको कहेंगे कि देखो ये ट्रस्ट की जमीन है, खातेदारी की जमीन है, और ट्रस्ट का मालिक ने आज से 20 साल पहले जब आपकी सरकार थी बीजेपी की तब भी बेच के वहां पे कॉलोनी काट दी इसी जमीन में से, आज भी अगर ये बेच जाएगा तो क्या आप रोक लोगे क्या? हमने तो झोली फैलाई थी गोयनका ट्रस्ट के पास कि आप इसमें से दान कर दो हमें 50 बीघा जमीन, और वो दूसरी जो जमीन उनकी बस्ती है 100 बीघा में से उसका भी पूरा का पूरा पैसा वो अपने दादाजी के नाम से 25 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल का भवन भी बना के वो सीट दे रहे थे। इससे बड़ा काम नहीं हो सकता था। और पछताएंगे वो लोग 10-20 लोग जिन्होंने, देखो कोई कहता है कि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, एक काजरा को 20 दूध रहे हजार दूध रहे पाड़ गिरे एक सेकेंड कमाए गांव कमा, पूरा गांव पॉजिटिव सोचे लेकिन एक गांव अगर निगेटिव है ना वो पूरा गांव ने तबाह रखा है। लेकिन मैं हारने वालों में से नहीं हूं। अभी तो हमने 50 करोड़ रुपए की छान लगाने उसकी व्यवस्था कर ली है। दुख इस बात का है कि जो रेजिडेंस डॉक्टर्स के मैंने बनाए थे आज से 10 साल पहले उनको तोड़ना पड़ रहा है, उसमें भी एक्शन साहब के खिलाफ हाईकोर्ट में उन लोगों ने रिट दायर कर दी कि 10 साल पहले बने हुए टूटे नहीं चाहिए। अब वो टूटेंगे नहीं तो 6 मंजिल का हॉस्पिटल नहीं बन सकता। आप समझ रहे हो उनको मतलब न भद्राणा से था न कुछ और से था, वो नहीं चाहते कि ये हॉस्पिटल बनकर तैयार हो, उसमें सीटी स्कैन की मशीन लगे, उसमें और एमआरआई की मशीन लगे और डॉक्टर वहां पे आए बढ़ के बेड की बढ़ोतरी हो, उनसे दिक्कत है। अगर दिक्कत नहीं होती तो एक्शन साहब को नोटिस नहीं दिलवाते कि आप एनओसी नहीं दोगे कि ये जर्जर है। जर्जर नहीं है ये सच बात है, लेकिन पीछे जगह ही नहीं है, वो जगह जब तक नहीं हटेगी जब तक वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बन सकती है। आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि कहां कहां लड़ना पड़ता है, पैसे स्वीकृत करा लाता हूं लेकिन उसके बाद में उन कामों को धरातल पे लाना कंप्लीट कराना उसमें बहुत बहुत मेहनत लगती है। लेकिन फिर भी भगवान की एक अदृश्य शक्ति काम करती है और आप लोगों का हौसला साथ में काम करता है।